हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैमअप विद नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो गुड। मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ सकती है। आज मैं थोड़ी डल भी लग रही होगी क्योंकि ना आज मैंने ना जितने भी मैं आज आपको पीसेस दिखाऊंगी ना सबका मैंने ट्राई ऑन आज ही किया है, बस एक का नहीं किया है, बाकी का ट्राई ऑन मैंने आज ही किया। और जब मैं ट्राई ऑन कर रही थी ना उस टाइम पे धूप भी नहीं थी और अब मैं कर चुकी हूँ ट्राई ऑन, काफ़ी टाइम हो गया तो अभी ना धूप निकल आई है। तो यही होता है, लाइट अच्छी होती है तो ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनते हैं, बस सनलाइट अच्छी नहीं होती है बादल होते, क्लाउडी वेदर होता। जब मैंने बनाया था तो क्लाउडी था, इधर पे ना ऐसे ही वेदर है आजकल, थोड़ा क्लाउडी थोड़ा सनी ऐसा रहता है तो पता नहीं रहता। तो हम कब तक वेट करेंगे कि हाँ सन निकले, उस टाइम पे हम फटाफट कैसे तैयार होंगे। तो ऑब्वियसली जो अपना टाइम सेट करके रखते उस टाइम पे हमें काम करना ही होता है, तो वही है। तो अभी धूप निकल आई तो मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। वैसे भी ये वाला जो लॉन्ग वीडियो है तो मैं अंदर बैठ के ही बनाती हूँ, आज भी इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है गाइस, आई एम सो सॉरी। अभी मैं क्या करूँ, मैं वैसे भी सुबह से वीडियो बना रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना, तो मैंने सोचा इसको भी निपटा ही लेती हूँ, लेकिन जैसे ही बनाने बैठी तो ये आवाज़ें आने लगी, मैं कितना वेट करूँ। ये तो बताना भूल ही गई कि आज कौन सा हॉल है, मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। वैसे तो थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा, बट फिर भी मैं बताती हूँ। आज है आप सबका फेवरेट मीशो हॉल। हाँ जी गाइस, आज है मीशो हॉल। और मीशो ना इस बार मीशो ने तो लिटरली यार मुझे शॉक में डाल दिया, मतलब शॉक लिटरली। मीशो से इतनी अच्छी क्वालिटी तो लिटरली मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करती मैं मीशो, मतलब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब सही सही आ जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन इस बार तो लिटरली मीशो ने तो कमाल ही कर दी। इतनी अच्छी क्वालिटी के आज मैं आपको कुर्ता सेट से दिखाऊंगी, कोट सेट है, कुछ विद दुपट्टा है, कुछ विदाउट दुपट्टा है। तो बहुत आज का कलेक्शन ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी आप ना मिस मत करना आज का कलेक्शन, क्योंकि हर एक पीस एक से एक है। तो आपको लगेगा कौन सा मैं लूँ और कौन सा छोड़ूँ। आज का हॉल ना मुझे भी बनाने में और आप सबको दिखाने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं मीशो से मंगाती हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने कोट सेट मंगाए थे तो मुझे भी पर्सनली उतना पसंद नहीं आए थे, तो एक दो एक ही बस अच्छा था। तो मतलब बनाने में भी मज़ा नहीं आता जब तक चीज़ अच्छी ना हो। तो इस बार तो सारे ही पीसेस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, आपको बहुत बातें होगी। विदाउट एनी फर्दर डिले करते हम अपना वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ आपको कौन सा कुर्ता सेट दिखाऊँ, सोच रही हूँ कोट सेट ही दिखा देती हूँ। कोट सेट सबसे पहले रखा हुआ है मैंने, कहा गाइज हमारा कोट सेट, और ये मतलब इतना अच्छा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जब आज मैंने इसका ट्राई ऑन किया ना तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब इतना सस्ता और इतना अच्छा। चलो मैं इसका ऊपर का आपको टॉप दिखाती हूँ। सो ये है शर्ट स्टाइल का, जो भी शॉर्ट कुर्ता टाइप का कोट सेट में रहता है, सो इस टाइप का कुर्ता है ये। और ये आपको कॉलर में ना इस टाइप की आपको एम्ब्रॉयडरी फेक मिरर, ऑब्वियसली ये लोग रियल मिरर है यार, नहीं यार रियल मिरर दे रखे हैं इन्होंने, रियल मिरर का वर्क दे रखा है इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वाला कॉलर में, और नीचे ये गले में इस टाइप का वर्क है। तो पूरे कोट सेट में आपको ये मल्टी कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, वाइट बेस है और बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है। ये फैब्रिक भी एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोट सेट का बहुत ही सूदिंग सा फैब्रिक है। अभी समर्स बहुत पीक पे हैं, मतलब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया बट स्टिल समर तो है ही, ह्यूमिड तो है ही, तो वेदर के लिए ये कोट सेट बहुत अच्छा, बहुत ही ईजी ब्रीजी सा कोट सेट है। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो मतलब ऐसी ब्रॉड वाली स्लीव्स है, तो कुर्ता सेट में जो प्रिंट है उसमें फॉइल प्रिंट भी है बीच बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है ये कोट सेट पहनने के बाद। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मुझे देख के ही उतना अच्छा नहीं लगा था, मतलब एवरेज ही लग रहा था देख के, बट जब आप साइड में ट्राई ऑन देखना थोड़ी सी मैं काली लग रही होगी क्योंकि मैंने बताया धूप बिल्कुल भी नहीं थी तो बहुत ही डल सा आ रहा था, बट स्टिल आप ऑब्वियसली आपको पूरा लुक तो दिखेगा ही, साइड में ट्राई ऑन दिखेगा तो आपको पता लग जाए पहनने के बाद। इनफैक्ट इतना मतलब क्योंकि लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाया, ये पर्सनली देखने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कोट सेट, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश क्लासी और कहीं से भी नहीं लग रहा था ये सस्ता कोट सेट है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कोट सेट लग रहा है क्योंकि इसका फैब्रिक भी अच्छा, जब फैब्रिक अच्छा होता है ना तो कोई भी चीज़ सस्ती और चीप नहीं लगती है, तो ये अच्छा कोट सेट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं इसका पैंट दिखा देती हूँ, पैंट भी सेम कोट सेट में तो सेम ही आता है, तो सेम है, सेम इलास्टिकेटेड इसका पैंट है और इस टाइप का। और इसके पैंट का पैटर्न ना ये ब्रॉड, इसका ये पैंट का जो क्या नीचे का बोलते हैं ये चीज़ ना ब्रॉड है, मतलब ब्रॉड वाला पैंट है जो कि लुक ना बहुत अच्छा दे रहा है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। मतलब पर्सनली अगर आप इसको पहनोगे ना कैमरे में तो ठीक है, मैं बोल रही ना कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है पीस। और एक तो सेम इलास्टिकेटेड है तो मुझे लग रहा है सेम इलास्टिकेटेड पैंट्स ना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं पर्सनली, क्योंकि सेम इलास्टिकेटेड पैंट में ना आगे पीछे इलास्टिक नहीं होती, केवल पीछे होती है, आगे वो प्लेन वाली रहती है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और काफी खुला खुला बॉटम है। और एक और चीज, मैंने इसको ना साइज एम में मंगा रखा है, और साइज एस में नहीं, साइज एम में मैं आजकल मंगा
लगा लेती हूँ कपड़े। मुझे बॉटम है ना लूज हो रहा है, मुझे मतलब इतना लूज नहीं है कि बॉटम एकदम खिसक जाए मेरा, मतलब ठीक है ना, बॉडी में इतना भी लूज नहीं है बट है लूज, कमर में मुझे लूज है ये। अगर आपके कोई चीज लूज होती है ना तो आप दो बार ऐसे करके पहन लो, ऐसे एक ऐसे करके पहन लो ना तो वो फिर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और इस आजकल पता नहीं क्यों मीशो में अगर मैं एम साइज लेती हूँ ना तो कुर्ता तो मेरे ठीक आता है, क्योंकि कुर्ता क्या होता है लूज चल जाता है, लेकिन बॉटम जो होती है ना वो अच्छी भी चीज़ है। एक बॉटम जो होती है ना वो हल्की सी लूज ही ये लोग दे रहे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो उनकी लोअर बॉडी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती थी कुर्ता सेट्स में कि उनके पैंट्स ही नहीं बनते थे क्योंकि उनकी थाइस बहुत ज़्यादा हैवी रहती थी। लेकिन मीशो के कुर्ता सेट्स आजकल ऐसे आ रहे हैं कि ये लोग साइज ना, अब मैंने एम साइज लिया है तो एम साइज के अकॉर्डिंग इसका पैंट ना अच्छा खासा बड़ा आपको दिख रहा होगा, मतलब ऐसा पैंट पहले जनरली एल साइज में, इस टाइप इतना बड़ा पैंट एल साइज में आता है, तो मतलब अच्छा खासा ये लोग बड़ा दे रहे हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है जो लोग एम साइज पहनते हैं उनके ना बने, उनके भी बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी खिसक ही जाएगा, इतना ज़्यादा भी लूज नहीं है, बन तो जाएगी आराम से। बट जिनकी बिग थाइज होती है, मोटी थाइज होती है और वो लोग नहीं पहन पाते हैं, मतलब रेडीमेड वो लोग नहीं पहन पाते हैं बॉटम्स, उनको यही प्रॉब्लम, ऊपर का तो बन जाता है उनको, नीचे का नहीं बन पाता, तो ये प्रॉब्लम मीशो ने इस वाले कुर्ता सेट ने, और जनरली मीशो से आज मैंने जितने मंगाए हैं सबका यही हाल है, सब में बॉटम्स ना बड़े बड़े हैं। मीशो ने ये प्रॉब्लम लग रहा है सॉल्व कर दिया लोगों की, जो बिग थाइज वाली प्रॉब्लम लोगों को होती थी। तो बहुत बातें हो गई हैं गाइस, तो ये था हमारा पहला कोट सेट और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें गाइस एक और कलर अवेलेबल है, मैं एक्चुअली वही कलर मंगाने का सोची थी, ग्रीन ब्लू कलर अवेलेबल है, बट पता नहीं क्यों फिर मैंने ये मंगा ली, बट ये कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये वाला कलर ना अभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, बट वो वाला कलर अवेलेबल है, तो मैं प्रोडक्ट कोड डाल दूंगी और उस वाले जो इसका दूसरा कलर है उसका लिंक डाल दूंगी, हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो डालूँ तब तक ये वाला भी स्टॉक में आ जाए, और अगर नहीं आता ये वाला कोड सेट स्टॉक में तो मैं इसके दूसरे कलर का लिंक डाल दूंगी और प्रोडक्ट कोड डाल दूंगी, तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हो चीज़ें। सो मैं आपको इसका एग्जैक्ट प्राइस बताती हूँ, गाइस ये मुझे मिला है 542 रुपीस का और अभी इसका प्राइस है 545 रुपीस। गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगी इस हॉल का सबसे सुंदर कुर्ता सेट, ये कुर्ता सेट इतना ज़्यादा सुंदर है, और सुंदर तो है ही, ब्यूटीफुल तो है ही, एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। ये है गाइज हमारा सेकेंड कुर्ता सेट, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने सस्ते में यार इतनी अच्छी क्वालिटी मीशो कैसे दे सकता है, मतलब कैसे, हाउ, मतलब ऑब्वियसली यार मैं कपड़े खरीदती रहती हूँ, वीडियोस बनाती रहती हूँ, इतना आइडिया मुझे है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका कपड़ा लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा, आपको मार्केट में ऐसा सूट 1,500-2,000 से कम का, तो जब आपको ऑफ हो उसके बाद मैं बता रही हूँ, सेल के बाद मैं आपको बता रही हूँ, 1,500 या 2,000 से कम का मिलेगा ही नहीं। आप इसका प्राइस सुन के ना शॉक हो जाओगे लिटरली यार, मतलब इतना कम प्राइस है इस कुर्ता सेट का और इतना सुंदर कुर्ता सेट है, मतलब ये आपको जब आप मीशो में देखोगे ना इसकी इमेज आपको नहीं लगेगा ये अच्छा आया होगा। इनफैक्ट मैंने जब रिव्यूज भी देखे थे ना, हर किसी का कैमरा अच्छा नहीं होता, कोई कैसे फोटो लेता हो, किसी के ऊपर कोई चीज़ अच्छी लगती, तो मतलब मैंने रिव्यूज में भी देखा तो उतना भी ज्यादा वाव नहीं लग रहा था। अभी आया मैंने खोला, लिटरली यार मैं तो शॉक ही होगी, मैंने कहा इतना सुंदर कैसे आ सकता है यार, और मतलब सुंदर तो छोड़ो, सुंदर तो है ही, मतलब फैब्रिक क्वालिटी एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। इसको तो आप आंख बंद करके ले लो, मेरे रिकमेंडेशन पे हाईली रिकमेंडेड, पहले दिखाने से पहले मैं आपको बोल रही हूँ। लिटरली यार मतलब मीशो कभी कभी ना बहुत अच्छा सरप्राइज दे देता है, अरे ही पीस आज के अच्छे हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है। तो ये है गाइज इसका कुर्ता, आप देख लो कितना ज्यादा सुंदर कुर्ता है, आप इसकी नेक की डिजाइन देखो क्या, मतलब एम्ब्रॉयडरी कितनी नीट एंड क्लीन कर रखी है, पूरे ही कुर्ते में ना आपको ये इस टाइप की बूटी मिलेंगी, और अच्छी खासी लेंथ है कुर्ते की, सब कुछ अच्छा है। ये फैब्रिक में ना हल्की हल्की सी ना लाइनिंग दे रखी है, पता नहीं कौन सा फैब्रिक है बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सूदिंग और अच्छा फैब्रिक है। स्लीव्स में भी आपको ना सेम एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, इस टाइप से सेम एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सफाई है एम्ब्रॉयडरी में। तो ये है कुर्ता, अच्छी खासी लेंथ है, सब कुछ सही है इसका। गाइस इसका पैंट जैसे कि मैंने बताया मीशो आजकल बहुत बड़े बड़े पैंट देने लगा है एज पर द साइज, तो बिग थाइज गर्ल्स आपको आपकी प्रॉब्लम मीशो ने ना सॉल्व करती है। तो ये है सेमी इलास्टिकेटेड पैंट इस टाइप से,
और इसका भी सेम फैब्रिक है जैसे कुर्ते का था। आप देख लो कितना ज्यादा, मतलब एक बोलते हैं रिच फैब्रिक, तो ये ना रिच फैब्रिक लग रहा है, मतलब क्या ही बोल। नैरो वाला इसका बॉटम है, इस टाइप का ट्राउजर काइंड ऑफ है ये और अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत सुंदर लुक आ रहा है। ऑब्वियसली देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो पहनने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इनफैक्ट इमेज में ना इसका लाइट सा कलर दिखाया था और मतलब मैं बता रही हूँ ना इमेज में उतना अच्छा लग ही नहीं रहा। बस मैंने इसलिए मंगा लिया था क्योंकि पार्टी वियर है, अफोर्डेबल है, तो मुझे वो भी अच्छा ही लग रहा था, बट ये तो कुछ उन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा भेज दिया है। और ये है गाइज इसकी चुन्नी, चुन्नी का फैब्रिक थोड़ा अलग, थोड़ा सिल्क टाइप का टच है, चिकना चिकना वाला कपड़ा है। और ये इस टाइप की चुन्नी ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी मैंने ना एक शॉप से कुर्ता सेट लिया, उसकी वो तो महंगा कुर्ता सेट है, मतलब 2000 के अराउंड का कुर्ता सेट मैंने लिया, उसकी भी चुन्नी ना इसी टाइप की, सेम यही फैब्रिक है, सेम इसी टाइप की चुन्नी, मतलब उसमें लेस लगी है, इसमें ये फ्रिंजेस वाली लेस है, इस टाइप की लेस है इसमें, बहुत प्यारी लेस है इस दुपट्टे की। इसका कलर ना थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप फैब्रिक चेंज करोगे तो कलर में हल्का सा डिफरेंस आता है, तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, मैजेंटा कलर ही बट हल्का सा डिफरेंस है। और ऑब्वियसली ऑनलाइन आपको चीज़ें कभी कभी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं, फैक्ट है, तभी लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। और मीशो में ये भी होता है ना कि आप पहले से पे कर दोगे ना तो आपको दो कुर्ता सेट ऑर्डर कर रहे हो 600-600 रुपए के, तो उनमें से आपको पक्का 30-40-50 रुपए मिनिमम वो लोग ऑफ दे देंगे, तो ऐसे भी आपकी मतलब सेविंग हो जाती है। तो ये मैंने 641 रुपीस का लिया था गैस, और अभी भी ये 641 रुपीस का है और बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे कि मैंने बताया इसमें भी मैंने साइज एम बाई किया है, मैंने सारे में साइज एम बाई किया है। 700 रुपए के अंदर इतना सुंदर सूट आपको शोरूम्स में तो नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं। सस्ते से सस्ता अगर ऐसा सूट मिलेगा ना तो 1200-1400 का मिलेगा, उससे सस्ता नहीं मिलने वाला, आँख बंद करके ले लो, हाईली रिकमेंडेड। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही सूदिंग सा कॉटन का कुर्ता सेट, थर्ड कुर्ता सेट जिसको बोलते हैं ना आई सूदिंग, मतलब जैसे गर्मियों में कॉटन टाइप की वाइब और कॉटन टाइप का लुक जो रहता है ना, क्लासी सा लुक, वो इस कुर्ता सेट से आएगा। और ये भी बहुत सस्ता कुर्ता सेट है, ये आपने हो सकता कई सारे यूट्यूबर्स को रिव्यू करते हुए देखा हो, तो मैंने सोचा मैं भी इसको मंगाती हूँ, देखते हैं कैसा। और लिटरली मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इस बार लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैं जितने भी पीस आपको दिखा रही हूँ आप कोई भी ले सकते हो। हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल था वो मैंने आपको बता दिया, बट ये कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप अगर कोई कॉटन का कुर्ता सेट अंडर बजट देख रहे हो ना तो आप ये वाला ले लो, ये बहुत प्यारा है, मतलब ट्रेंडी टाइप का, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब आप है ना एकदम ट्रेंडी लगोगे, मतलब थोड़ा सा मतलब इन ट्रेंड लगोगे, ऐसा लगोगे अगर आप इसको पहने तो, बहुत अच्छा क्लासी सा लुक आ रहा है। आप सिंपल सी फ्लैट्स पहन लो और ये वाला कुर्ता सेट पहन लो ना तो आप मस्त लगोगे, ऐसा लगेगा ही नहीं आपने इतना सस्ता कुर्ता सेट डाल रखा है। सो ये है गाइस कुर्ता इसका, और ये ए शेप कुर्ता है, इसमें कोई भी स्लिट नहीं है, तो ये ए शेप कुर्ता सेट है, मतलब कुर्ता है ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर का, मतलब स्काई ब्लू कलर का कुर्ता सेट है, व्हाइट कलर की आपको प्रिंट दे रखी है। और इसका जो गला है वो थोड़ा यूनिक है इस टाइप का, मतलब वी शेप में है आगे और नीचे से चुन्नट चुन्नट है, मतलब प्लेट्स बनी हुई है, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है, फ्रॉक स्टाइल है और स्लीव्स सिंपल हैं। बस इसका मेन अट्रैक्शन इसका फैब्रिक है, इसका लुक है, और ये आगे का जो लुक है ना वो इसका मेन अट्रैक्शन है, वो बहुत अच्छा लगता है लुक। अगर इसकी फैब्रिक की बात करें ना तो जैसे मैंने बताया इसका फैब्रिक ना कॉटन, एकदम मुझे अच्छा वाला कॉटन लग रहा है, आप देख लो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है सस्ते वाला कपड़ा है, ये एकदम मस्त कॉटन है जैसा भी है ना। और एक और चीज़ गैस, मुझे ना थोड़ा डिफेक्टेड पीस मिला, ज़रूरी नहीं मुझे मिला तो आपको भी मिले, डिफेक्टेड क्या वो एक जगह से ना हल्का सा गंदा है, हाँ ये आप देख लो, ये ना मुझे थोड़ा सा गंदा पीस मिला, वैसे मैं इसको धुल के भी यूज़ कर सकता, अगर मुझे रखना है तो मैं धुल के भी यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है फिर से मैं उसे एक्सचेंज करके दूसरा पीस मंगाऊँ, बट हाँ ऐसा हमेशा तो नहीं होता, इतने पीस दिखाए किसी में भी मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला मीशो में, बट पहली बार ही मुझे ऐसा इस टाइप का पीस मिला, थोड़ा सा गंदा है साइड में, अदरवाइज ये मुझे फ्रेश ही पीस लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यूज़ किया हुआ, मुझे लग रहा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही इसमें कुछ लगा है यहाँ पे।
ना ही ज्यादा लूज है मेरे और ना ही ज्यादा फिट है, मतलब अच्छा लुक है इसका। व्हाइट बॉटम मिलता है, तो अगर आप व्हाइट बॉटम अकेले खरीदना चाहते हो तो मत खरीदो, ये कुर्ता सेट खरीद लो तो आपको व्हाइट बॉटम अपने आप ही मिल जाएगा। और अच्छी क्वालिटी, ऐसा नहीं है मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, ऑब्वियसली इसका प्राइस कम है तो एकदम अच्छी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, मतलब आपका चलेगा, आराम से चल जाएगा आपका, मतलब एक दो साल तक आराम से अगर रेगुलरली पहनोगे तब भी चल जाएगा। कुर्ता भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। सो ये है, मतलब ये नैरो बॉटम नहीं है, ना ही प्लाजो है, बीच का इसका मतलब शेप है कुछ, ना ज्यादा चौड़ा है ना ज्यादा पतला है, तो बीच का शेप है इसका इस टाइप। और भी कुर्ता इसके साथ काम आता रहता है व्हाइट बॉटम में भी। ट्राई ऑन में ना इतना अच्छा लुक नहीं आया जितना ये रियल में देखने में लग रहा है। अगर जब आप इसको कैरी करोगे ना और रियल में कोई आपको सामने से देखेगा तो आप बहुत अच्छे लगोगे। और मतलब मैंने जब आपको ट्राई ऑन दिखाया है ना, तो उस टाइम पे मैं बता रही थी ना कि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर था कि सनलाइट उस टाइम पे नहीं आ रही थी जब मैं ट्राई ऑन कर रही थी, तो कैमरा ना उतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था जितना ये रियल में सुंदर लग रहा था। कॉटन का कोई क्लासी कुर्ता सेट चाहिए तो आप इसको कंसीडर करना, बहुत अच्छा है ये। ये मुझे गाइस 544 रुपीज में मिला था और अभी देखते हैं इसका प्राइस क्या है। अभी इसका प्राइस 546 रुपीज है, मतलब सेम ही प्राइस है, 2 रुपए क्या ही फर्क पड़ता है। सो मुझे लग रहा था यार ये लोग कुछ तो अलग देंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा था ना रेयॉन कपड़ा होगा, बट इसका रेयॉन नहीं है, इसका फॉर माय सरप्राइज इसका कपड़ा ना कॉटन आया है, अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें सारे साइजेस अभी अवेलेबल हैं, ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो ये है गाइस हमारा 4th कुर्ता सेट, और इसका भी कलर बहुत अच्छा है, ग्रेश ब्लू कलर है, मतलब थोड़ा डिफरेंट कलर था, मैंने इसको कलर की वजह से मंगाया है। इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर है, मतलब एकदम यूनिक सा कलर है, लोग ढूंढते हैं इस टाइप के कलर, लोगों को बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे ग्रे ग्रेश ब्लू हो गया, थोड़ा मूव कलर हो गया, तो ये पेस्टल कलर्स में आ जाते हैं। तो इसका कलर ना डार्क है, एट द सेम टाइम ना पेस्टल है, बहुत ज़्यादा डार्क चटक भी नहीं है। तो ये है गाइज इसका कुर्ता और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये है गाइस इसकी एम्ब्रॉयडरी, आगे से कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, आपको दिख रहा होगा, चंदेरी सिल्क में ये कुर्ता सेट है। स्लीव सिंपल सी है, बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको लेस दे रखी है, बट फैब्रिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा चंदेरी सिल्क है और अच्छा फैब्रिक, मतलब एकदम स्मूथ सा फैब्रिक इन लोगों ने दे रखा है। सो पूरा कुर्ता आपको सिंपल मिल जाएगा, कोई भी बूटी नहीं है, बस आपको गले में योग पार्ट में आपको इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो मतलब ये जो गोल्डन कलर के थ्रेड से वो जो बीच में एम्ब्रॉयडरी दे रखी है ना, मुझे फोटो देख के लग रहा था ये ना थोड़ा मोती का वर्क आया था, तो मेरे दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन थी। और मुझे वो जो पिंक वो जो मैजेंटा कलर वाला 700 रुपये में इतना सुंदर, 700 के अंदर ही वो कुर्ता सेट है, 650 का इतना सुंदर कुर्ता सेट मिल गया ना, फिर मुझे ना ये बहुत ज़्यादा महंगा लगने लगा। अभी मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है उसके फैब्रिक में इसके फैब्रिक में डिफरेंस हो, ये चंदेरी सिल्क टाइप का फैब्रिक है और ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो क्लासी साइड में चला जाता है, वो मतलब बहुत सुंदर है, और ये मतलब आप समझ लो थोड़ा क्लासी साइड में चला गया, क्योंकि इसमें ना आपको योग पार्ट में डिजाइन दे रखी है, पूरा कुर्ता सिंपल है। और इसमें इनर की बात करें तो जहां तक आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क दे रखा है ना वहां तक अंदर आपको कपड़ा मिलेगा, आगे पीछे इन लोगों ने लगा के दिया है कपड़ा, इस टाइप से ना कपड़ा लगा के दिया है अंदर, सो है ना क्लोथ लगा के दिया है जहां तक एम्ब्रॉयडरी है, बाकी का ऐसे ही दिया है। इसका पैंट भी सेमी इलास्टिकेटेड है और इसका साइज भी वही है कि एम साइज, मैंने सबका मैंने एम साइज ही मंगाया, इसका भी एम साइज मंगाया और इसमें भी इसका एम साइज थोड़ा सा उन सबसे थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे लग रहा बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बेटर है, सारी लड़कियां बिग थाइस वाली नहीं होती है, सबकी लोअर बॉडी हैवी नहीं होती है ना, कुछ मेरे जैसे भी लोग होते हैं, तो थोड़ा सा तो टाइट चाहिए होगा ना, तो उस केस में हम लोग के लिए ये सही है। और जिनका थोड़ा सा हैवी लोअर पार्ट है वो लोग भी पहन सकते, हो सकता हल्का सा टाइट हो, बट मुझे नहीं लग रहा, ये भी आपको अच्छे से फिट हो जाएगा, अगर आप एम साइज पहनते हो तो ये भी आपको अच्छे से फिट हो जाए, ऑब्वियसली साइज के ऊपर तो डिपेंड करता ही है ना आपकी पूरी बॉडी। तो ये इस टाइप से है और इसका भी सेम फैब्रिक है, चंदेरी सिल्क टाइप का है, और जैसे स्लीव्स में सिंपल सी क्लासी सी डिज़ाइन थी वैसी आपको नीचे बॉटम में भी मिलेगी, इसका बॉटम सिंपल नहीं है, थोड़ी सी डिज़ाइन है जो कि बहुत अच्छी क्लासी सी लगती है, पहनने के बाद ये कुर्ता सेट जैसा दिख रहा है क्लासी सा ना वैसा ही लगता है। और ये है गाइज इसका सुंदर सा फ्लोरल दुपट्टा,
इस टाइप का दुपट्टा है गाइस, ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा है और पूरा फ्लोरल है। और ये इधर आपको ना बॉर्डर में गोल्डन कलर का वर्क मिलेगा बॉर्डर, और ये इस टाइप से बूटी बूटी है गोल्डन कलर की, और पूरे में आपको प्रिंटेड फ्लावर दे रखे हैं और इस टाइप से ना टेसल भी दे रखे हैं। ओवरऑल दुपट्टा बहुत ज्यादा सुंदर है, बट चीज ना फिनिशिंग मुझे थोड़ी इसकी सही नहीं लगी दुपट्टे की। आप देख रहे हो ये यहाँ पे मुझे फिनिश, हो सकता है आपको अच्छा पीस मिले, मुझे ऐसा पीस मिला तो मेरी की फिनिशिंग अच्छी नहीं है। पीछे से ये जो सिलाई है ना, तो ये उल्टी सीधी वो रखी है, तो दुपट्टे से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ एज पर, क्योंकि मीशो में आपको सस्ती चीजें मिल जाती है तो आप उतना एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि अगर हम इतना प्राइस दे रहे हैं तो हमें उतना अच्छा मिलना चाहिए प्रोडक्ट, तो हम उतना एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हो जाती है। तो इसका मैंने थोड़ा सबसे ज्यादा प्राइसी यही वाला कुर्ता सेट है, तो इससे ना मुझे थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। कुर्ता और बॉटम तो अच्छा आया है एज पर द प्राइस, बट दुपट्टा थोड़ा और बेटर कर सकते थे एज पर द प्राइस, क्योंकि ये 1000 के अराउंड का है, तो 1000 के अराउंड का आपको मिंत्रा में और भी जगह अच्छा मिल जाता है। इनफैक्ट लिबास में भी आपको विद दुपट्टा 1000 के कुछ से लेल होती है तो मिल जाते हैं। दुपट्टे की डिजाइन अच्छी, सब कुछ अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, इनफैक्ट दुपट्टे की लेंथ भी अच्छी, लेकिन दुपट्टा का जो फैब्रिक है वो अच्छा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है बेकार है, अच्छा है, सॉफ्ट सा ऑर्गेन्जा है, अच्छा है, लेकिन एक जो जैसा कुर्ता और बॉटम क्लासी है उस टाइप का उतना ज्यादा मतलब कपड़ा क्लासी नहीं है दुपट्टे का। थोड़ा और बेटर हो सकता था दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, अदरवाइज बहुत प्यारा कुर्ता सेट। अगर आप कोई क्लासी कुर्ता सेट देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो, पहनने के बाद तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसको मैंने कल या परसों ट्राई ऑन इसका किया था, 2 दिन पहले ट्राई ऑन किया था, उस टाइम पे वीडियो अच्छा बन रहा था, तो इसका वीडियो ये देखने में भी एक्चुअली पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि इसका कलर बहुत सुंदर है, सभी बहुत सुंदर लग रहे थे और इसको कैमरा जस्टिफाई भी कर रहा था, इसके वीडियोज भी अच्छे आए हैं ट्राई ऑन में, आप देख लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये 1000 के अराउंड का है, साइज इसका मैंने एम लिया है, मैंने इसको बाय किया था 928 रुपीज में, और अभी ये 930 रुपीज का है और इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं। 930 रुपए का जब मैं मीशो से ले रही हूँ तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो जाती है, बस इतनी सी बात है। वैसे आपको बाहर भी 1000 रुपए का मतलब ऐसा सूट तो नहीं मिलेगा, कलर भी एक फैक्टर है ना, क्योंकि कलर भी ऐसा मिलना मुश्किल होता है, कलर बहुत ज्यादा पेस्टल कलर है तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इनफैक्ट इसमें एक और कलर था, आई थिंक मूव कलर था इसमें, दोनों ही पेस्टल काइंड ऑफ कलर थे, बट मुझे लगा नहीं, सबसे पहले मैंने ये देखा तो ये मुझे एक नजर में पसंद आ गया था, मैंने कहा इसको तो मैं मंगा के वीडियो बनाऊंगी ही, इसको तो मैं मंगाऊंगी, तो ये मैंने मंगा ही लिया आखिरी में। बस सारा कुछ अच्छा है, सारा मतलब जो इसका कुर्ता बॉटम है वो पूरा प्राइस जस्टिफाई कर रहा है, बस दुपट्टा मुझे लग रहा है थोड़ा और बेटर कर सकते थे, अगर मीशो से हमने लिया है और 900 रुपए तक का लिया है, 950 का, तो और बेटर हो सकता था। अदरवाइज सारे ही पीसेस आपने खुद ही देखा होगा आज के बहुत ज्यादा अच्छा, और आज के मैंने बहुत ज्यादा बोल भी लिया है वीडियो में, इतना मैं बोलती भी नहीं हूँ, तो आज मैंने कुछ ज्यादा बोल भी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं दिखाने के लिए, क्योंकि सारे ही पीस बहुत लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा, मुझे भी दिखाने में मजा आया, आई होप आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। मीशो हॉल तो वैसे ही आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ये था आज का हमारा मीशो हॉल गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।